सो गाइस इस वीडियो आपको बताने वाला हूँ प्रो कबड्डी के रिलेटेड टॉप अपडेट्स। यहाँ दोस्तों यहाँ पे रोज की तरह आज भी प्रो कबड्डी के रिलेटेड एंड कबड्डी के रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स निकल के आए हैं, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो गाइस बिना देरी किए एक और नई वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा चैनल 35K सब्सक्राइबर से बहुत ही ज़्यादा करीब है। 35,000 सब्सक्राइबर के लिए बस कुछ 100 और सब्सक्राइबर और चाहिए, 400-500 सब्सक्राइबर और चाहिए। सो गाइस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसी कबड्डी के रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। सो गाइस जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले अपडेट की। तो गाइस यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि 24 मार्च को वर्ल्ड कबड्डी डे होता है। एंड वर्ल्ड कबड्डी डे क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो ट्रू स्टोरी जो कबड्डी प्लेयर की थी, जो अर्जुन चक्रवर्ती थे, उन्होंने इंडिया में रिप्रेजेंट किया था कबड्डी को 1918 में। एंड वो यानी कि रिलीज हुआ था 24 मार्च के दिन, ऐसी कुछ टाइप का स्टोरी था। तो गाइस उसी के रिलेटेड यहाँ पे 24 मार्च को यहाँ पे वर्ल्ड कबड्डी डे मनाया जाता है, और उसी के रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे कबड्डी के टीम्स एंड साथ ही साथ प्रो कबड्डी ने भी बहुत सारे पोस्टर्स रिलीज किए, जो मुझे बहुत अच्छा लगा और आपको भी साथ ही शेयर कर देता हूँ। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे प्रो कबड्डी ने पोस्टर अपलोड किया, जहाँ पर लिखा कि वर्ल्ड कबड्डी डे का मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे हरियाणा सीलर्स ने भी रिएक्ट किया है, जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, उन्होंने ये कहा है कि जीवन और कबड्डी का खेल मानो एक जैसा ही है, कामयाबी की रेखा तभी ही छू पाओगे जब राह में हर बाधा को लांग पाओगे, और उससे रिलेटेड यहाँ पे वर्ल्ड कबड्डी डे कहा है। एंड यहाँ पे यूपी योद्धा ने आप सभी को लिखा है कि आत्मरक्षा और आक्रमण का पाठ पढ़ाता है ये कबड्डी का खेल, हमें बहुत कुछ सिखाता है। यूपी योद्धा की तरफ से वर्ल्ड कबड्डी डे की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड साथ ही साथ यहाँ पे गुजरात फॉर्चून जाइंट्स ने भी लिखा है कि टू ऑल द हार्ट्स दैट ब्रेट फॉर कबड्डी अक्रॉस द वर्ल्ड, हैप्पी वर्ल्ड कबड्डी डे। एंड साथ ही साथ यहाँ पे पटना पायरेट्स ने भी आप सभी को वर्ल्ड कबड्डी डे की खूब सारे विशेष दिए हैं। एंड यहाँ पे दोस्तों साथ ही साथ पुणेरी पल्टन की टीम ने भी लिखा है कि वर्ल्ड कबड्डी डे फ्रॉम द एंटायर पुणेरी पल्टन फैमिली, वी विश यू वेरी हैप्पी वर्ल्ड कबड्डी डे। आप सभी को मैं इन्फॉर्म नहीं कर पाया गाइस, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था वर्ल्ड कबड्डी डे 24 मार्च को मनाया जाता है। तो चलो इसको बात करते हैं अगले अपडेट की। तो गाइस यहाँ पे अगला अपडेट निकल के आता है 47 जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2021 के रिलेटेड। दोस्तों ये टूर्नामेंट खत्म हो चुका है। एंड यहाँ पे मैं आपको बॉयज एंड गर्ल्स कैटेगरी के विनर्स बता देता हूँ। जो बॉयज कैटेगरी है उनके विनर है स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया यानी कि साई, और यहाँ पे गर्ल्स टीम के विनर है हरियाणा। सो गाइस दोनों टीम्स को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, और उसी के रिलेटेड यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि प्रो कबड्डी ने पोस्टर एंड कॉन्ग्रेचुलेट दोनों ही टीम्स को किया है। चलो सो बात करते हैं अगले अपडेट की। तो गाइस यहाँ पे अगला अपडेट निकल आता है बंगबंधु कबड्डी कप 2021 के रिलेटेड। दोस्तों यहाँ पे जो मैच नंबर 1 है वो खेला गया था बांग्लादेश वर्सेस पोलैंड के बीच में, एंड उसका रिजल्ट आ चुका है, जहाँ पे फुल टाइम में बांग्लादेश को मिला है 40 पॉइंट्स, एंड वहीं पे पोलैंड टीम को मिला है 22 पॉइंट्स। एंड यहाँ पे बांग्लादेश ये मुकाबला 18 पॉइंट से जीत चुके, जो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू बांग्लादेश की टीम, जो पहला मुकाबला बंगबंधु कबड्डी कप 2021 का जीत चुकी है। एंड अगर आपको शेड्यूल जानना है तो गाइस उस पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन या फिर आपको चैनल पे वीडियो दिख जाएगा, आप जाके वो वाला वीडियो देख लीजिए। चलो सो बात करते हैं अगले अपडेट की। तो गाइस यहाँ पे अगला अपडेट निकल आता है तो कबड्डी के मीडिया राइट्स के ऑक्शन के रिलेटेड। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि आज तारीख है 28 मार्च, और यहाँ पे दोस्तों अब बच चुके हैं सिर्फ 8 दिन, यानी कि 8 दिन बाद हमें, यानी कि 1 वीक बाद हमें देखने को मिलेगा प्रो कबड्डी सीजन 8 से लेके सीजन 12 तक का मीडिया राइट का ऑक्शन, और ये हमें पता चल जाएगी कौन से ब्रॉडकास्टर पार्टनर हो गए। एंड यहाँ पे आप कितना एक्साइटेड है प्रो कबड्डी के मीडिया राइट्स के ऑक्शन को लेके, आप कमेंट करके जरूर बताएं। सो गाइस यहाँ पे दिन डे कम तो होते जा रहे हैं, जो 1 महीने 20 दिन बचे थे आज सिर्फ 8 दिन बचे हैं, 8 दिन के बाद हमें प्रो कबड्डी का मीडिया राइट्स का ऑक्शन देखने को मिलेगा। तो चलो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो आपको अच्छा लगे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको थोड़ी पसंद आए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसे प्रेस कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर देना, हमें 35K सब्सक्राइबर बहुत ही जल्दी कंप्लीट करने हैं। सो गाइस उम्मीद आपको अच्छी लगेगी, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।